फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ये शब्द ये पंक्तियां सुनकर आपको क्या याद आता है? यूं तो बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म का नाम ही है फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और इस फिल्म के एक लोकप्रिय गीत के बोल भी यही हैं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। लेकिन ये शब्द और ये पंक्तियां सुनकर दरअसल कोई फिल्म नहीं, कोई गीत नहीं, बल्कि याद आता है एक मासूम सा चेहरा, याद आती है खनकती आवाज, चुलबुली सी हंसी। जी हां, हम बात कर रहे हैं तबस्सुम की, जो दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट थी। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन कार्यक्रम भारतीय टेलीविजन के इतिहास का पहला टॉक शो है जो 1972 से लेकर 1993 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। वैसे तो इस कार्यक्रम में बड़े बड़े सेलिब्रिटी फिल्म स्टार आते थे, लेकिन इस कार्यक्रम की जान और कार्यक्रम की पहचान तबस्सुम थी। हाल ही में 78 वर्ष की आयु में तबस्सुम जी हम सबको छोड़कर चली गई। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तबस्सुम जी को श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज, और डीडी दस्तावेज में आज प्रसार भारती आर्काइव्स से बात होगी तबस्सुम की और 21 साल तक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले तबस्सुम जी के लोकप्रिय कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की। तबस्सुम को यूं तो हम हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री के रूप में भी जानते हैं। 1944 में जन्मी तबस्सुम ने बतौर बाल कलाकार ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर दी थी। तब उन्हें उनके फैंस बेबी तबस्सुम के नाम से जानते थे। उन्होंने सरगम, संग्राम, दीदार, बैजू बावरा के साथ साथ मुगले आजम जैसी बड़ी फिल्म में भी छोटा सा रोल किया था। लेकिन दूरदर्शन के कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन से तबस्सुम लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गईं और हिंदुस्तान के घर घर में लोग उनके फैन बन गए। दूरदर्शन के साथ तबस्सुम का रिश्ता बहुत ही खास था। जब दूरदर्शन के साथ उनका यह रिश्ता 25 साल का हो गया तो इस रिश्ते की सिल्वर जुबली को दूरदर्शन ने बहुत ही खास तरीके से सेलिब्रेट किया। यहां तबस्सुम ने ही तबस्सुम का इंटरव्यू लिया, यानी तबस्सुम डबल रोल में। भारतीय टीवी के इतिहास में संभवतः यह पहला डबल रोल वाला इंटरव्यू था। आइए देखते हैं तबस्सुम ने तबस्सुम का परिचय कैसे कराया और तबस्सुम ने तबस्सुम को अपने बारे में क्या बताया। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवा रहे हैं जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 5-5 मीडिया पे रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्हें 50 साल फिल्मों में हो गए हैं, 50 साल रेडियो पे हो गए हैं, 50 साल स्टेज पे हो गए हैं, 50 साल लिटरेचर और साहित्य में हो गए हैं, और सबसे बढ़कर 25 साल टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे हो गए हैं। जी हां, आज तक हिंदुस्तान में 25 साल किसी कलाकार के दूरदर्शन पे नहीं हुए। ये पहली सिल्वर जुबली है दूरदर्शन की। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मल्टी मीडिया पर्सनैलिटी बेबी तबस्सुम से। बोलिए। नमस्कार तबस्सुम जी। दर्शकों, आपको भी नमस्ते, बहुत बहुत बधाई हो आपको सिल्वर जुबली के लिए दूरदर्शन पर। तबस्सुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों की आभारी हूं कि उन्होंने अपनी मोहब्बत, प्यार और पसंद की वजह से टेलीविजन पे मेरे 25 साल पूरे करवाए। लेकिन मुझे मजा सबसे ज्यादा उस वक्त आया जब आपने मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे नाम के साथ बेबी जोड़ा। देख लीजिए, मेरा बचपन कितना पावरफुल था कि आज भी लोग, जी हाँ लोग, मेरे नाम के साथ बेबी लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जाती जिंदगी में मैं ग्रैंड मदर बन गई हूं, दादी बन गई हूं, दादी। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन भारत का पहला टेलीविजन टॉक शो था। इसके शुरू होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यह शो शुरू हुआ मुंबई दूरदर्शन की शुरुआत के साथ ही। 2 अक्टूबर 1972 को मुंबई से दूरदर्शन के स्थानीय प्रसारण की शुरुआत हुई। शुरुआत में यह प्रसारण सिर्फ 4 घंटे का था। तबस्सुम इस शो से कैसे जुड़ी
और आखिर कैसे इस शो का नाम पड़ गया फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जानिए ये कहानी खुद तबस्सुम की जुबानी। टेलीविजन पे पहली मर्तबा आने का मौका आपको कैसे मिला? 1972 में जब मुंबई में दूरदर्शन आया तो मेरे दिल की कली खिल गई और मैंने सोचा कि फिल्मों में तो इतना मैंने काम किया है, रेडियो पे भी किया, सब जगह किया, अब टेलीविजन पे अपने आप को हम क्यों ना देखें। देखिए, भगवान इतना मेहरबान है मुझ पे कि जिस दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया उसी दिन शाम को टेलीविजन की तरफ से याकूब सईद और टीपी जैन हमारे घर आए और कह लेंगे तबस्सुम जी, आपको जान के खुशी होगी कि मुंबई में दूरदर्शन शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर से और हमारे डायरेक्टर ने आपको बुलाया है। मैं तो बस इतनी खुश हुई कि न पूछिए। मैं जब यहाँ आके डायरेक्टर से मिली तो उस वक्त हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर मूर्ति। तो मूर्ति साहब ने कहा कि तबस्सुम जी, हमारा ट्रांसमिशन शुरू हो रहा है 4 घंटे रोज का और हम चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन आधा घंटा हम आपको दें और आप उसके लिए हमें एक बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम बना के दे दीजिए वैरायटी एंटरटेनमेंट का आधे घंटे के अंदर। तो हमने सोचा भाई आधे घंटे में हम क्या देंगे, तो हमने सोचा कि कुछ एक आध शेर शायरी हो जाएगी, एक आध स्किट हो जाएगा, एक आध डांस हो जाएगा। तो हमने कहा मूर्ति साहब पहले ये तो बताइए कि इसका नाम, हम ये प्रोग्राम जो आप हमें दे रहे हैं इसका नाम क्या है। कहेंगे भाई नाम वाम तो हमने रखा नहीं, हमने कुछ सोचा नहीं, बस ये एक वन वुमन शो है जो आपको करना है, आप बताइए आप कैसा पसंद करेंगी। वैरायटी प्रोग्राम है तो किसी ने नाम सजेस्ट किया कि इसका नाम गुलदस्ता रख दो, किसी ने कहा कि महक रख दो, किसी ने कह दिया चहक रख दो, तो किसी ने कहा कि गुलशन रखो। तो मुझे फौरन ख्याल आया कि बेगम अख्तर की एक बड़ी मशहूर गजल है जिसकी लाइन है फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, तो मैंने कहा कि भाई ये मिसरा ही उठा के क्यों ना रख दिया जाए, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो सारे लोग खुश हो गए और ये नाम पड़ गया और मुझे बड़ी खुशी है मैडम तबस्सुम कि मेरा दिया हुआ ये नाम आज तक लोगों की जबान पर है और मेरा प्रोग्राम याद किया जा रहा है। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 80 के दशक में दूरदर्शन का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम सिर्फ दर्शकों का ही पसंदीदा शो नहीं था बल्कि उस समय विज्ञापन देने वाली कंपनियों के लिए भी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन से जुड़ने का मतलब था मैक्सिमम कवरेज। पर क्या आप जानते हैं कि शो के लिए तबस्सुम जी की फीस क्या थी? आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। इसका खुलासा खुद तबस्सुम जी ने अपने सिल्वर जुबली शो में किया था। आइए प्रसार भारती आर्काइव से देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमें जब टेलीविजन की तरफ से बुलावा आया तो हम बहुत खुश हो गए क्योंकि हमने ये सोचा कि अब्रॉड में तो फिल्म स्टारों से ज्यादा टेलीविजन वालों को पैसे मिलते हैं, तो अब तो शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। और हम जब यहां आए तो हम सुन के ठंडे हो गए। हमें उन्होंने कहा कि 75 रुपए पर प्रोग्राम हम आपको देंगे। खैर हमने सोचा चलो क्या बुरी बात है, शोहरत मिल रही है और फिर एक अचीवमेंट है, एक पब्लिक के साथ संपर्क करने के लिए इतना लेटेस्ट मीडिया हमें मिल रहा है। तो हमने 75 रुपए पर प्रोग्राम के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट कबूल कर लिया। और जानती हैं 21 साल बाद मुझे जो पेमेंट मिल रही थी वो थी 750 रुपए, यानी 0 लगने के लिए 21 साल हमें बिताने पड़े। इतनी मामूली फीस, ये सुनकर आपको झटका तो लगा होगा पर सच तो यह है कि तबस्सुम जी ने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन से उन्हें जो लोकप्रियता मिली, देश भर के दर्शकों का जो प्यार मिला, वो उनके लिए पैसे से कहीं बढ़कर था। इस शो की एक खास बात सेलिब्रिटीज से तबस्सुम जी के सवाल पूछने का तरीका था। मुश्किल से मुश्किल और चुभने वाले सवाल भी वो हंसते हंसते पूछ लेती थी। जानिए इस बारे में वो खुद क्या कहती हैं। आपने हमेशा 21 सालों तक फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में अपने मेहमानों की खूब खिंचाई की, खूब खिंचाई की। बिल्कुल गलत, खिंचाई तो आजकल हो रही है। मैं तो जब भी बोली, जितना भी बोली, शाल में लपेट लपेट की है। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि माँ को अपनी माँ ना कहा जाए कि ये मेरी माँ है, माँ को माँ ना कहा जाए बल्कि ये कहा जाए मेरे बाप की बीवी है। तो ये अंदाज आजकल के लोगों का है कि ये मेरे बाप की बीवी है और माँ ये मेरी माँ है, ये मेरा अंदाज था। बात व्यक्ति पर्सन वही रहता है लेकिन लफ्ज बदल जाते हैं। मैंने भी लोगों से ये सवाल किया है कि बहुत मस्का मारते हो, बहुत चम्मचगिरी करते हो,
बहुत जूतियां चाटते हो, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता था कि हमने सुना है कि आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और खास तौर पे मक्खन बटर आपको बहुत अच्छा लगता है, खाना भी और लगाना भी। तो तबस्सुम जी, बात एक ही है लेकिन अंदाज बदल जाता है। तो मेरा अंदाज जो था खिंचाई का, उसमें लोगों की इंसल्ट नहीं होती थी, आज लोगों की इंसल्ट होती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि खिंचाई मैंने ज्यादा भयानक तरीके से नहीं की, क्योंकि वो प्रोग्राम फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन 21 सालों तक चला। मुझे आप बताइए, कौन सा ऐसा एक्टर है, कौन से अदाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो पब्लिसिटी के मोहताज हैं, जिनको अच्छा लगा? अरे भाई, उनको अगर बुला लग रहा होता और मैं खिंचाई कर रही होती तो 21 साल ये प्रोग्राम चलता ही क्यों? मुश्किल से मुश्किल सवाल सहजता और सादगी से पूछने का तबस्सुम का यह अंदाज ऐसा था कि बड़े बड़े सितारे उनके सामने बैठकर जब बातचीत करते तो खुलते ही जाते। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी को आप जानते ही होंगे। मौसमी चटर्जी ने 70 और 80 के दशक में अपनी रोमानी अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। अपनी प्यारी सी मुस्कान से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। आपने मौसमी चटर्जी की अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और संजीव कुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ फिल्में जरूर देखी होंगी, लेकिन याद कीजिए, आपने भले ही मौसमी चटर्जी की कई फिल्में देखी हों, लेकिन आपने उन्हें फिल्मों में नाचते हुए कम ही देखा होगा। मौसमी चटर्जी फिल्मों में नाचती क्यों नहीं थी, ये राज तबस्सुम से उनके मुंह से उगलवा ही लिया। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपने वो सारे गुण हैं, खूबियां हैं जो एक टॉप की हीरोइन में होनी चाहिए, और वो मकाम आपको मिल भी चुका है, लेकिन एक चीज की कमी लोगों को महसूस होती है कि आपने डांस नहीं सीखा। क्या है तबस्सुम जी, मुझे डांस मतलब नाचना अच्छा नहीं लगता, नचाना अच्छा लगता है। बाबू को देखिए ना, आप मूड क्यों खराब करते हैं। तो चलिए, हालांकि मैं कोशिश की एक दो पिक्चर में, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मुझे जरा सी पता नहीं शर्म आती थी बहुत, और मुझे ऐसा फिक्र होता था कि ये जो मेरी ड्राइवर है, शोफर, वो खड़ा होकर मुझे देख रहा है कि मैं कैसा कमर हिला रहा हूँ, ये जो लाइट बॉय है वो भी मुझे देख रहा है और मेरी मेकअप में देख रहा है, और इनके सामने मैं ऐसा रुआब से जाती हूँ और ऐसा करती हूँ, और आंखें नीचे करके उन लोग बात करते हैं, और उन लोग 4 रुपया 5 रुपये में मुझे ये ऐसी झलक और ऐसे नखरे सब देख लेते, तो कुछ अजीब सा ब्रेन में होता था तभी, तो इसीलिए मैं सही अंदाज से वो नहीं करता। दूरदर्शन के आइकॉनिक कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में तबस्सुम जी ने अपने दौर के करीब करीब सभी कलाकारों और बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यू किए। इनमें एक नाम अनिल कपूर का भी है, जिनके पिता का संबंध भी बॉलीवुड से था। फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों के बच्चों को काम तो भले ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन खुद को साबित करके शोहरत कमाना आसान नहीं होता। प्रसार भारती आर्काइव से फूल खिले हैं गुलशन गुलशन का ये जो एपिसोड हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह उस वक्त का है जिस वक्त अनिल कपूर करीब करीब 15 फिल्मों में काम कर चुके थे। तबस्सुम जी जब भी किसी शख्सियत का इंटरव्यू करती थी तो उनसे जुड़े ऐसे पहलुओं पर बात करती थी जिसे सुनकर दर्शक प्रभावित होते थे। अनिल कपूर के परिवार का नाता शुरू से ही बॉलीवुड के साथ था, लेकिन इसके बावजूद भी अनिल कपूर को इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, और आज अपने इसी स्ट्रगल की बदौलत इन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ साथ इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया है। तबस्सुम जी ने इसी मौजू पर एक सवाल किया, आप भी देखिए और सुनिए कि अनिल कपूर ने तबस्सुम को क्या जवाब दिया। आपके पिताजी भी प्रोड्यूसर, आपके भाई भी प्रोड्यूसर, जब घर की प्रोडक्शन थी तो बाहर स्ट्रगल करने की क्या जरूरत आन पड़ी? जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने काफी लोगों को, काफी एक्टरों की बुक्स पढ़ी हैं, काफी एक्टरों के बारे में सुना है। मैं हमेशा ये चाहता था कि छोटे छोटे रोल से मैं एक बड़ा सितारा बनूं, बड़ा स्टार बनूं। जैसे कि मैं ये सोचता था कि एक छोटा सा रोल मैंने किसी फिल्म में किया और वो रोल देख के, वो शॉट देख के कोई बड़ा राइटर या बड़ा डायरेक्टर मुझे देखे और बोले ये लड़का, ये अगर इसमें, यार इसमें बहुत दम है, इसको ले लो, तो मुझे ये सपनों में आता था, ये सपने रात को मैं सोता था तो मुझे ऐसा आता था। तो मैंने सोचा कि मैं छोटे छोटे रोल्स करूंगा, 2-3 फिल्में की हैं ऐसी,
क्योंकि मैंने पिताजी से जब बात की कि उन्होंने कहा कि देखो भाई अनिल, मैं तो फिल्म बना नहीं सकता, मुझे तो स्टार लेने पड़ेंगे, मुझे बड़े बड़े स्टार लेने, क्योंकि मुझे फिल्म बेचनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदेंगे नहीं तेरे साथ फिल्म। तो मैंने तो वो होता ना कि कभी पिताजी ने मतलब ब्लैंकली बोल दिया उन्होंने कि भैया अनिल तेरे साथ तो मैं फिल्म नहीं बना सकता। तो फिर वो सात दिन कैसे बन गई? वो सात दिन बनी है, ये तीन चार फिल्में मुझे मिल चुकी थी जब वो सात दिन बनी। अच्छा। जैसे कि मैंने हमारे तुम्हारे एक बार कहो और सत्यू की फिल्म कहां कहां से गुजर गए, ये फिल्म भी मुझे मिल चुकी थी। फिर रमेश सिप्पी की शतरंज, ये एक फिल्म वो भी मिली थी, और एक आध और फिल्म थी, दो तीन फिल्में। और ये चार पांच फिल्मों के बाद जब मेरा इंडस्ट्री में ये लोग कहने लगे कि ये लड़का है जो है ये काम जानता है, ये फिल्मों में काम कर सकता है, इसमें है कुछ बात है, उसके बाद फिर हमने एक फिल्म बनाई हम पांच। अच्छा। हम पांच में मैं प्रोडक्शन में था। वो डेढ़ दो साल जो गुजरे प्रोडक्शन में बहुत बुरे गुजरे। अब क्या बताएं, मुझे नफरत है प्रोडक्शन से, मुझे नफरत थी कि मैं जिंदगी में कुछ भी बनूंगा मगर प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा। वो सात दिन वो पहली फिल्म थी जिससे आप बिल्कुल लाइमलाइट में आ गए, और उसमें आपने एक बहुत ही भोले भाले सीधे सादे, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि बुद्धू की हद तक लड़के का रोल किया, जो कि आप जाती जिंदगी में बिल्कुल नहीं। क्या कहा आप? जाती जिंदगी में आप बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट हूँ, थैंक यू। तबस्सुम ने पहले भारतीय टेलीविजन टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की शुरुआत की। तबस्सुम जी ने टीवी के दर्शकों को 80 और 90 के दशक के उभरते सितारों के बारे में, उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी उन तमाम बातों से रूबरू करवाया जो लोगों को पता नहीं थी या कम ही पता थी। टीवी पर तबस्सुम के शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की प्रसिद्धि डेली सोप ओपेरा के दौर के आने से काफी पहले से थी। 80 के दशक में तो शो की प्रसिद्धि अपने चरम पर थी, जिसकी एकमात्र वजह थी तबस्सुम का खास अंदाज। अपने इस एक शो के चलते टीवी ने तबस्सुम को और तबस्सुम ने टीवी को खूब जिया। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने बॉलीवुड में कई दशक पूरे कर लिए हैं। वैसे तो अनिल कपूर के बारे में उनके फैंस को काफी कुछ पता है, यह भी पता है कि उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म वो सात दिन थी जो 1983 में रिलीज हुई। फिर भी अनिल कपूर की जिंदगी के ऐसे कई रंग हैं जो कम ही लोगों को पता होंगे। इनका खुलासा खुद अनिल कपूर के मुंह से तबस्सुम ने कराया अपने कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में। देखिए प्रसार भारती आर्काइव से ये कड़ी। कभी कभी जिंदगी में कोई एक बड़ी जबरदस्त ऑफर मिल जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाय रे पत्ता कट गया, मुंह तकने वाला आया और किसी ने छीन लिया, चाहे वो इंसान हो या कुदरत हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ, ऐसा इतनी बार हुआ है। इतने पत्ते कटे हैं कि दुनिया में शायद पत्ते ही नहीं होंगे। इतने पत्ते कटे हैं। काफी फिल्मों में हुआ ऐसे कि ऐसा लगा कि ये मिली मिली ये निकल गया। ये फिल्म मिला उतना कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने खुश हो गया, मेरा काम देख के वो निकल गया हाथ से। ये फिल्म बना रहे थे मशहूर डायरेक्टर शोले के डायरेक्टर मिस्टर रमेश सिप्पी, और लिख रहे थे मशहूर राइटर मिस्टर जावेद अख्तर, जिनका मेरे करियर में काफ़ी हद तक काफ़ी हाथ है। उन्होंने मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कोई छोटा सा रोल कुछ चीज़ कोई देख ले, तो उन्होंने मेरा ये काम देखा था एक बार कहो मैं और एक तेलुगु फिल्म में। अच्छा। और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया रमेश सिप्पी के पास, तो रमेश जी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा, डन कर दिया मुझे कि भाई तू इस फिल्म में जो छोटा सा रोल है तू कर ले। और मैं वो उस अनाउंसमेंट से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, और उस अनाउंसमेंट से ही मुझे मतलब मेरे घर वालों को हिम्मत बढ़ी कि वो फिल्म बना सके वो सात दिन। अच्छा वो फिल्म तो बनी नहीं। वो फिल्म जो है बंद पड़ गई। वो फिल्म बंद पड़ गई और उसमें मुझे छोटा सा रोल दिया गया। अच्छा, और उसमें हीरो कौन था? उनके हीरो थे मिस्टर अमिताभ बच्चन। अच्छा, तो उस वक्त तो वो ऑफर बड़ी जबरदस्त थी भाई, मौका मिला था अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का। तो वो फिल्म तो बनी नहीं, तो मैं क्या कहूँ आपसे, दुखी हो गया और क्या कर सकता था। मगर आप बिलीव कर सकते हैं कि वो आखिर फिल्म मेरे साथ ही बनी। हाँ, और उस फिल्म का नाम है, आप लोगों ने देखी होगी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, फिल्म का नाम है मेरी जंग। अच्छा। तो मैं शतरंज में छोटा सा रोल कर रहा था, और मेरी जंग में मुझे फिर वही फिल्म वही कहानी मेरे साथ बनी और मैंने वो रोल किया। तो ये अच्छा, तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट को आपने हजम कैसे कर लिया, क्या रिएक्शन हुए? वो मेरी जंग, हाँ?
वो जब मुझे फिल्म मिली तो मेरे ख्याल से, मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं एक चीज़ जिससे बहुत घबराता था वो चीज़ मैंने कर ली। क्या? वो चीज़ मैंने शादी कर ली। अच्छा? हाँ। खुशी में? खुशी में। तो मैंने कहा कि अब तो शादी कर लेनी चाहिए, ये फिल्म मिली है, अब कौन रोक सकता। भैया तुम तो निकल गए ऐसा। लेकिन आपको लगा नहीं कि वो उस वक्त शादी करना एक बहुत बड़ा रिस्क था? हाँ, सबने कहा कि बहुत बड़ा रिस्क है, मगर मैं, जैसे आप कहते हैं ना, जो अगर मुझे कोई डराता है मुझे कि तू ये करेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा, तो मैं वही करता हूँ। उन्होंने कहा कि तू शादी करेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोला फिर तो मैं शादी करूंगा, जरूर करूंगा, और मैंने शादी भी की और दो बच्चे भी पैदा कर दिए। फूल खिले हैं गुलशन। गुलशन ने भारतीय टेलीविजन का ब्लैक एंड व्हाइट दौर भी देखा और रंगीन दौर भी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के उस दौर में भी फूल खिले हैं गुलशन। गुलशन और तबस्सुम अपने सादगी भरे अंदाज से सबको लुभाते रहे। उस दौर में हर कोई तबस्सुम जी के इस शो का दीवाना था। उन्हीं में से एक नाम बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार करण जौहर का भी है। करण जौहर ने तबस्सुम को अपना आइकन बताते हुए कहा कि उन्हें अपने बचपन के दिन याद हैं जब वो टीवी के सामने तबस्सुम जी के टॉक शो का इंतजार करते थे। करण जौहर ने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सामने तबस्सुम जी को उनके लाल गुलाब के साथ उनके जो सिग्नेचर लुक था उसमें देखने के लिए वो बेसब्री से इंतजार करते थे। करण जौहर ने यह भी कहा कि जब उनके पिता यश जौहर ने उनसे पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो करण जौहर ने अपने पिता को जवाब दिया कि वो बड़े होकर तबस्सुम बनना चाहते हैं। फूल खिले हैं गुलशन। गुलशन के ऐसे ही एक एपिसोड में तबस्सुम जी अनिल कपूर से बात करती हैं, तो आखिर में एक उन्होंने ऐसा सवाल किया जिसने उनको मुश्किल में डाल दिया। लेकिन अभिनेता अनिल कपूर ने शालीनता और बड़ी बेबाकी से जो जवाब दिया उसे आप भी सुनकर मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएंगे। न्यू कमर अनिल कपूर से लेकर मिस्टर इंडिया बनने तक जाहिर है हर कदम पे नए तजुर्बात हुए होंगे। ये मेरी शुरुआत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है मैं सही रास्ते पे आ रहा हूं और दिस इज द बिगिनिंग। वाह। मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी आदमी बनना चाहता है, जो कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, जो कुछ भी है, किस्मत का साथ तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है। किस्मत से, किस्मत का साथ होना भी बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, मगर मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ जी। अगर आपका किसी ने मजाक उड़ाया तो समझ लो कि आपकी तरक्की होनी शुरू हो गई। अच्छा। और अगर आपकी लोग बुराइयां करने शुरू करें कि ये ऐसा है वो ऐसा है, तो समझ लो कि आप उस दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, मतलब कि आप कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं। वाह। समझे आप? समझे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना काम करते रहो, लोगों को जो कहना कहने दो, और सफलता कामयाबी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। 13 एपिसोड की सीमित संख्या वाले सोप ओपेरा हो या मनोरंजक विज्ञापन, 80 और 90 के दशक की टेलीविजन की यादें भुलाए नहीं भूलती। आप इंटरनेट और सोशल मीडिया को भले ही कितना कोसिए, पर सच तो यह है कि इनकी बदौलत आप न केवल कुछ देर के लिए ही सही उस दौर को एक बार फिर से जी पाते हैं और अपने बच्चों को भी ये बता पाते हैं कि देखो ये था हमारे जमाने का टीवी। और इसी दौर के इस शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में तबस्सुम जी की खनकती आवाज बरबसी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। अपने इस टॉक शो में तबस्सुम जी ने चंकी पांडे का भी इंटरव्यू किया। चंकी पांडे का असली नाम सुयश शरद पांडे है, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें चंकी के नाम से ही लोग पहचानते हैं। तबस्सुम जी ने चंकी पांडे से ऐसे ऐसे सवाल पूछे, इस बेहतर अंदाज में पूछे कि चंकी पांडे भी एक बार सकपक आ गए। यही नहीं, उन्होंने बेबाकी भरे अंदाज में ही तबस्सुम जी का जवाब तो दिया, लेकिन यही अंदाज था जो तबस्सुम जी को औरों से अलग बनाता है। अब आप मुझे ये पूछोगे कि मुझे मेरा पहला पिक्चर कैसे मिला? तुम मौका दोगे तो पूछूंगी ना। आज तो पहली दफे मुझे लग रहा है कि बोलने का चांस मुझे मिल ही नहीं रहा है। अच्छा अब बता दो कि पहली फिल्म कैसे मिली? स्टेज पे तुम्हें देखा लोगों ने या मॉडलिंग करते हुए देखा? कहाँ देखी तुम्हारी अंदर की कला और खूबसूरती? तो खैर दिखी रही है। हर आदमी के को जो भी प्राप्त होता है जिंदगी में उसकी खूबी की वजह से मिलता है, लेकिन मुझे मेरी पहली पिक्चर मेरी कमजोरी की वजह से मिली। अच्छा। हाँ,
मेरी बचपन से ये आदत है कि मुझे टाई बांधना नहीं आता और मुझे पजामा का नाड़ा खोलने नहीं आता। ओहो, कमर बंद। कमर बंद। अब हुआ ये कि मैं एक हॉलिडे में एक पार्टी में गया था और मैंने वो दिन सोचा कि मैं इंडियन स्टाइल में कपड़े पहन के जाऊं, तो मैंने कुर्ता और चूड़ीदार पहन के गया था। अब मुझे आई थी बाथरूम बड़ी जोर से, तो मैं घुस गया बाथरूम में और यार नाड़े का गांठ निकल रहा था मुझसे, तो मैं पक्की लग गई थी बड़ा परेशान हो गया था। हाँ। और मैं लोगों को बोल रहा था यार कोई मुझे मदद करो, मेरा नाड़ा खुलो। तो लोग तो अपनी मदद खुद कर रहे थे। तो सोचे लड़का पागल हो गया। तो एक आदमी मुझे देखा जो बड़े हंस के बोला चलो ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ। उन्होंने खोल के दिया, मैं बोला थैंक यू। अब 2 महीने बाद एक पार्टी में गया मैं और मैंने देखा एक आदमी कोने में खड़ा क्वाइट और काफी लोग उसकी चमचागिरी अच्छी तरह बात कर रहे थे, तो आगे पीछे हो रहे थे। मैं बोला ये आदमी है कौन, ये बंदा? तो बोला जानते नहीं, तो पहलाज निलानी है, इन्होंने गोविंदा को स्टार बनाया। तो बोला यार गोविंदा को बना सकता तो मुझे क्यों नहीं बना सकता, सॉरी गोविंदा। ओके, तो मैं चला गया उसके पास। मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि यार पहली बार मैं रोल मांगने जा रहा था किससे बड़ी, और अगर इसने ना बोल दिया तो मेरा क्या होगा। तो मैं गया बोला हेलो माय नेम इज चंकी पांडे, तो हंसने लगे जोर से। अच्छा। तो मैं सोचा शायद मेरे नाम में गड़बड़ है, चंकी पांडे एकदम अजीब नाम है। हाँ। तो 5 मिनट तो हंसे, फिर हंसने के बाद मैं पूछा क्या हुआ भाई। तो बोला याद नहीं तू मुझे बाथरूम में मिला था, मैंने तेरा नाड़ा खोला था। बोला तब से मेरी नजर है तुझ पर, क्या काम है तुझे? तो मैं बोला मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो बोला चलो फोटो लेके आओ घर पर, और सीधे फेस से बोला, ये नहीं बोला कि मैं तेरी लाइफ बनाऊंगा तुझे हीरो बनाऊंगा, सीधा बोला कि हाँ तू मेरे पिक्चर का हीरो, पिक्चर का नाम है आग ही आग, और तब से हो गया भागी भाग। तो डीडी दस्तावेज का आज का हमारा जो एपिसोड था वो दरअसल तबस्सुम जी को हमारी तरफ से दूरदर्शन की तरफ से श्रद्धांजलि है। वो दूरदर्शन जिनके लिए तबस्सुम बहुत खास थी और वो तबस्सुम जिनके लिए दूरदर्शन ही सब कुछ था। आज हम इन दोनों को याद करें और फूल खिले गुलशन गुलशन की कड़ियां अगर आप देखना चाहें तो प्रसार भारती आर्काइव्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।